तो दीदी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पे आते ही इसको पानी पूरी बहुत पसंद है, पढ़ाई सबसे पहले है। पीठ पीछे कमियां निकालते हैं कि जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए। सर्दियों के टाइम पे बहुत अच्छी सब्जी होती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है और आज की वीडियो की शुरुआत मेरे अपने घर अपने ससुराल से हो रही है। तो मैं कल मायके से घर आ गई थी और मैंने मायके से वापस आने की ना वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना ली थी और वहाँ पे नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है, जिस वजह से मेरी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है और मेरी सारी वीडियो मेरे फ़ोन में ही रह गई थी। तो इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि ना जहाँ पे नेट नहीं चलता है ना वहाँ पे फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। फिर वापस आने का मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं सीधे आई हूँ घर और कल आ गई थी घर में। और अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे से मिलने जागदार, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग है तो पेरेंट्स को बुलाया है, तो इसलिए मुझे भी आज जाना पड़ रहा है। कल मैं मायके से आई और आज मुझे सीधे गुप्तका से जागदार जाना पड़ रहा है। बाकी अच्छे से धूप खिल चुकी है और आजकल का मौसम काफ़ी अच्छा और सुहाना सा हो रखा है। आजकल अब गेहूँ बोने की तैयारी हो रही है, तो सभी लोग आजकल खेतों की ओर हल लगाने में लगे हुए हैं। जैसे कि इधर देखो, सभी लोग हल लगा रहे हैं और इधर साइड अभी धूप नहीं निकली और इधर साइड अच्छे से धूप खिल चुकी है। और मौसम देखिए भाई, बहुत अच्छा है, गजब है, सुहानी सी धूप लगी हुई है, बादल बिल्कुल भी नहीं लगे हुए हैं। पर मैं कर रही हूँ यहाँ पे गाड़ी का वेट और अभी उधर मैं आ चुकी है एक गाड़ी, जैसे बोलते बोलते ना यहाँ पे देखिए भाई गाड़ी भी आ गई है। मैं आ गई हूँ अभी रोड में और मैं यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अच्छे से धूप खिल गई है तो धूप सेकने का मन कर रहा है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में सुबह शाम ना ठंड होने लगी है, तो इसलिए धूप सेकने का मन कर रहा है। जैसे ही गाड़ी आएगी तो मैं चलती हूँ गुप्तकाशी की ओर। रोड में गाड़ी का इंतजार कर रही थी, इतने में पिंकी और पंकज आ गए, तो मैं भी उनके साथ ही उखीमठ तक जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है दीदी। हाँ, प्रिशु इधर देख, गुड मॉर्निंग कर दोस्तों को। आजकल प्रिशु की छुट्टी, बाजार जा रही है। पहुंच चुकी हूँ अभी उखीमठ मार्केट में और सीधे चलते हैं गुप्तकाशी वाले पॉइंट पे, तो देखते हैं कि गाड़ी लगी हुई है या नहीं। और आज मैं यहाँ से कोई सामान नहीं रखूँगी बेटे के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी मेरे साथ घर आए। तो भाई आते ही यहाँ पे गुप्तकाशी की गाड़ी भी लगी हुई है, तो फटाफट से बैठते हैं गाड़ी में। साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया है और अभी मैं गुप्तकाशी मार्केट में आ गई हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पे आते ही गाड़ी मिल गई है जालदार जाने के लिए, तो यहाँ से मैं लेती हूँ सामान। उससे पहले मैं आ गई हूँ पानीपुरी की शॉप पे, क्योंकि मेरे बेटे को पानीपुरी बहुत पसंद है और पिछली बार भी उसने मेरे से पानीपुरी मंगवाई थी पर उस बार मुझे मिली नहीं थी, यहाँ पर दुकान खुली नहीं थी। तो अभी मैं यहाँ से पानीपुरी पैक करती हूँ और इधर पर लगी हुई है जागदार के लिए गाड़ियाँ। बाकी अभी गुप्तकाशी का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो अभी बैठ चुके हैं गाड़ी में और गाड़ी में फुल सवारी हो गए हैं और सभी ये जागदार जाने वाले हैं, तो अभी जल्दी जल्दी सवारी हो गए हैं। 11 बजे का टाइम हो गया है और मैं स्कूल में पहुंच गई हूं। काफ़ी सारे पेरेंट्स आज स्कूल में आ रखे हैं, तो सबसे पहले हमको एंट्री करवानी होती है। और इधर सामने देखिए काफ़ी पेरेंट्स पहले आ गए हैं, यहां पे अभी मीटिंग के लिए बैठ रखे हैं। बाकी अभी बच्चे से तो मिलना नहीं हुआ है, पहले पेरेंट्स मीटिंग है तो पहले यहाँ पर बैठना है, फिर उसके बाद बेटे से मुलाकात होगी। आज दशहरा भी है तो आज शायद छोटे बच्चों द्वारा यहाँ पे रामलीला कार्यक्रम भी होता है और रावण दहन होता है। दीक्षु कैसा है? प्रणाम। अभी यहाँ पे दीक्षु से भी मिल गई हूँ मैं और आज है दशहरा, सामने रावण का पुतला है।
इधर देखो भाई, आज दशहरा है तो आज ना यहाँ पे रावण दहन होता है, ये देखो। और ये छोटे छोटे स्कूल के बच्चे अभी यहाँ पे रावण का पुतला बना रहे हैं। बाकी अभी ना पेरेंट्स मीटिंग ख़त्म हो गई है तो सभी पेरेंट्स अब जाएंगे अपने अपने बच्चे से मिलने के लिए। तो मैं अपने बेटे के लिए ना पानी पूरी लेके आई थी, क्योंकि इसको पानी पूरी बहुत पसंद है, तो इसलिए पिछली बार मिले नहीं। और दीक्षु ने कहा था कि मैं आज घर आऊँगा, लेकिन घर आना दीक्षु की छुट्टी कैंसिल हो गई है, क्योंकि कुछ टाइम बाद दीपावली आने वाली है, तो बार बार घर क्या करना है, पढ़ाई करना है, नहीं पढ़ाई सबसे पहले है। तो आज वैसे मैंने ना ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं लाई, ये भी मैंने अचानक गुप्त काशी से रखा, क्योंकि दीक्षु का प्लान था कल तक घर आने का, आज कैंसिल हो गया। तो पानी पूरी लेके आई हूँ, बाकी केले और सेब लेके आई हूँ, तो फिर खाते हैं पानी पूरी हम दोनों। बाकी ना इधर सारे लोग अपने बच्चों के साथ अभी जो भी उनके लिए लेके आए होंगे सभी उनके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बाकी थोड़ी देर तक हम भी यहाँ पे रहते हैं, फिर चलते हैं घर के लिए। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है भाई। आज ना पेरेंट्स मीटिंग थी, तो पेरेंट्स मीटिंग में ना आज बहुत कम पेरेंट्स आ रहे थे, क्योंकि ना जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते होंगे, अगर उनमें से किसी के बच्चे जागधार में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके पीठ पीछे कमियाँ निकालते हैं कि स्कूल में ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है उस दिन पेरेंट्स बहुत कम आते हैं, तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है आप लोग आइए, और आपको जो भी कमी स्कूल में लगती है आप लोग टीचर्स के सामने कह सकते हैं, ना कि पीठ पीछे कहना, ये सही नहीं है, क्योंकि आप लोग मीटिंग में बहुत कम आते हो। आज तो बहुत ही कम पेरेंट्स आ रहे थे, तो जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, और जो भी आपके आपको यहाँ जो भी कमियाँ लगती है वो आपको टीचर्स के सामने कहनी चाहिए, ना कि पीठ पीछे। बाकी हम थोड़ा अपने बच्चे के साथ बैठते हैं और पानी पूरी खाते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय, ठीक है तब। वह तो अभी मैं जाने लगी हूँ और दीक्षु भी जाएगा अब खाना खाने के लिए, तो बाकी ना हम भी चलते हैं और सभी पेरेंट्स जाने लगे हैं घर। तो कुछ टाइम बाद अब दीपावली आने वाली है, तो बेटा दीपावली के लिए आएगा घर दो चार दिन बाद, तो अभी फ़िलहाल हम भी चलते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो चले गए हैं, कुछ बाकी यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, तो मैं अभी चलती हूँ फटाफट, बाद में ना गाड़ी भी नहीं मिलती है, तो जल्दी जल्दी अभी चलते हैं। और ये सभी बच्चे अभी जाने लगे हैं खाना खाने के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे रोड में आ गई हूँ, और यहाँ अभी बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं लगी हुई हैं भाई। बाकी ज़्यादा पेरेंट्स अपनी अपनी गाड़ी लेके आए हैं, बहुत कम ही पेरेंट्स हैं जो कि यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे सामने पे दीदी लोग भी बैठ रखे हैं गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो दीदी हैं जखोली ब्लॉक से, और आप? अच्छा, दोनों जखोली ब्लॉक से, मतलब गाँव कहाँ पड़ता है आपका? ना गांव कहाँ है आपका? हम आपके ब्लॉग देखते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो दीदी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किधर? अच्छा, गिरिया। और बाकी अभी कुछ पेरेंट्स इधर आ रहे हैं, पर यहाँ पे ना गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, अब दिक्कत ही है कि जाना किस में है। चला पैदल चला ये खुन में उन्दू गुप्त का से मुँह नहीं। तो दोस्तों अभी 6 बजे का टाइम हो गया है, और मैं जागधार से सीधे अभी आपको गौशाला में मिल रही हूँ। रास्ते में भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था, और आजकल दिन इतने छोटे होने लगे हैं कि 6 बजे ही अंधेरा अंधेरा होने लगा है। और मैं आपको गौशाला में कुछ चीज़ दिखाती हूँ, अच्छी वाली चीज़ जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हमारी गौशाला में देखो भाई कितने सारे कद्दू हैं, और ये ना उस टाइम पर हरे थे जब तब मैंने निकाले नहीं, और आजकल ये पूरी तरह से पीले हो गए हैं। ये देखो भाई कितने सारे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और पीछे की तरफ भी हैं कुछ, 9 इधर, ये देखिए 10, 11, एक यहाँ पे 12, एक यहाँ पे 13,
और ये जो पीले वाले कद्दू है ना, अब इनकी ना सर्दियों के टाइम पे बहुत अच्छी सब्जी होती है, तो सर्दियों के टाइम पे ये हमारे लिए सब्जी के काम आ जाएंगे, क्योंकि ना ये बेकार नहीं जाने वाले हैं, ये बिल्कुल सर्दियों में सब्जी के काम आने वाले हैं, क्योंकि इनको अच्छे से संभाल के रखना है, बहुत अच्छी सब्जी होती है इनकी। बाकी गौशाला में आ गई हूँ और इन बछिया को भी मैंने अंदर बांध दिया है और इसके पास घास चारा भी डाल दिया है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो ना आपको बहुत ज़्यादा लेट में आने वाली है, क्योंकि मैं जब अपने मायके गई थी वहाँ की वीडियो भी मेरे पास अभी पेंडिंग पड़ी है, पहले मैं उनको डालूँगी। और इस वीडियो को ना बहुत लेट में आने वाला है, आज है दशहरा और दशहरे के दिन ना ये वीडियो आपको 4-5 दिन बाद आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।